गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल सर इंग्लिश एकेडमी। आज हम समझेंगे स्पोकन इंग्लिश में बेसिक आपको कैसे बोलना है। मतलब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में 20 शब्द हैं जो इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेंगी, 10 शब्द है, 10 वाक्य है, ये अमुक जगह के बारे में आप ये सेंटेंस सीख लीजिए, या पर्टिकुलर एक सिचुएशन को लेके हम सेंटेंस सीखना, या हमने सेंटेंस सीखा होगा। जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस गए तो आपको क्या क्या बात करना है, बैंक में क्या क्या बात करना है, तो आप एक मिनट के लिए समझे, इन सब चीजों को स्पोकन इंग्लिश नहीं कहते। स्पोकन इंग्लिश तब होगा जब आप, जैसे आप हिंदी बोलते हो या उर्दू बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, वैसे जब आप इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे तो सही मायने में हम उसी को इंग्लिश बोलना कहेंगे। आप वो जो 10 सेंटेंस या कुछ शब्द जो सीख लेते हो उससे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना संभव ही नहीं है, और ना ही आप उसमें इंग्लिश में बात कर सकते हो। कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करने के लिए आप में उन बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपको भी पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मुझे क्या बोलना चाहिए, ना कि वो 10 सेंटेंस जिसको लिख के आपको दे दिया गया, जैसे आप ड्रामा में पार्ट कर रहे हैं और उस ड्रामा के चरित्र को आप निभा रहे हैं। ऐसा इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। भाषा अपने आप में इतनी विशाल है कि उसे चंद शब्दों में या चंद वाक्यों में पूरा बोल लेने की कोशिश करना संभव नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ठगे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, बताए हुए सारे तरीकों को आप फॉलो करें, सेंटेंस बनाना शुरू करें। बहुत सहज है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने में सेंटेंस बनाएं, और यदि आपको कोई संदेह हो कमेंट में लिख दें, कोई पूछना है कुछ भी चीज़ें कमेंट में जरूर लिख दें, हम आपकी मदद करेंगे। चलिए शुरू करें कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कैसे करेंगे। तो जब शुरुआत की जो मेहनत है आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जब आप एक सेंटेंस बनाते हो तो हमें उसमें तीन चीज़ों की बात समझनी होगी। मैं ये तीन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। आपको सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान होना है, वर्ब के बारे में ज्ञान होना है, और अदर वर्ड के बारे में ज्ञान होना है। वर्ब के बारे में ग्रामर के वीडियो में हमने पूरे डिटेल में दे रखा है, सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में दे रखा हूं मैं। यहां मैं फिर से एक बार चर्चा कर दूंगा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीन प्रकार के वर्ब हैं, फिर अलग अलग मॉडल वर्ब्स हैं, 13 मॉडल वर्ब्स हैं, 13 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनमें चर्चर सेंटेंस भी अगर बनता होगा तो आप जोड़ लीजिए 26 × 4, उतने सेंटेंस आपको बनाना है। हम क्या करेंगे, हम आपको एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी में आपको बताते चलूंगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश कैसे बोलना शुरू करेंगे। एक दिन में संभव नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप सीख जाएंगे। सब्जेक्ट को, क्योंकि मैं ये जो स्पोकन इंग्लिश आपको बताने वाला हूं इसमें मैं ग्रामर को बीच में नहीं ला रहा हूं, ना ही मैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बात करता हूं। मैं तो बात करता हूं कि जैसे इंग्लिश को बोलना चाहिए, जैसे आप हिंदी को कॉन्फिडेंटली बोलते हैं वैसे आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोल लें। कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन आया कि हम कैसे बोलेंगे, तो इसके पहले ये जो तरीके आपको बताया जा रहा है यदि आप इसे फॉलो कर लें तो बहुत आसानी से इंग्लिश भी वैसे ही बोल लेंगे जैसे आप हिंदी को बोलते हैं। चलिए शुरू करें। अब मेरा एक प्रश्न है कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश हमें कैसे बोलना है, स्पोकन इंग्लिश बोलने का पहला तरीका क्या है। ये पहला तरीका होगा जैसे हम सेंटेंस वाइज चलेंगे। सेंटेंस नंबर वन आप देख लें, ये हमारा सेंटेंस नंबर वन है। सेंटेंस में जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो बेसिक से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, सब्जेक्ट जो शब्द है पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर वर्ब को समझ लेंगे, फिर अदर वर्ड को समझ लेंगे। सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं आपके लिए 7 शब्द लेके आया हूं, जैसे आई एम, ये आप पहले से ही जानते हैं, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, ये हमारे 7 शब्द हो गए। आई एम आप ऐसा मत समझे, यानी जो वर्ब यहां पे मैं लेके चला हूं, फिलहाल मैं इज एम आर का यूज आपको बता रहा हूं, जो कि पहला मेरा सेंटेंस नंबर वन है। इस सेंटेंस नंबर वन में इज एम आर को मैं पहला लेके चला हूं। अब इज एम आर को लेके सब्जेक्ट के रूप में मैंने इनको लिया हुआ है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई का मतलब मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, वह लड़का के लिए, लड़की के लिए, किसी जब हमें जेंडर में कंफ्यूजन हो जाए लड़का लड़की, जैसे टेबल, चेयर, बुक, तो आप वहां पे इट लगा दें। और इन तीनों का बहुवचन होगा दे, दे यानी वे लोग।
वे सब, इट के लिए भी हम प्लूरल फॉर्म में दे का प्रयोग करेंगे, दे के साथ आर का प्रयोग हुआ। तो इसे याद करते समय आप आई एम करके पढ़े, वी आर यू आर, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ये आप मत करें, आप सीधा सीधा बोले आई एम। अब आई एम जब आप बोलेंगे तो यहां पे जो शब्द एक आएगा जिसे हम अदर वर्ड कह रहे हैं, तब यहां पे आपको कौन कौन से शब्द लगाने हैं, जैसे आई एम टीचर, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट, ये मैंने यूज किया। तो क्वेश्चन ये आया कि अदर वर्ड कितने होते होंगे, अदर वर्ड कितने होंगे, तो इस अदर वर्ड को हम चार भागों में बांटते हैं। ये जो अदर वर्ड होगा, या तो कोई पर्सन के बारे में ये बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में आप बताओगे, प्लेस के बारे में आप बताएंगे, थिंग्स के बारे में आप बताएंगे, या तो किसी एनिमल के बारे में बताएंगे, या तो फिर किसी सिचुएशन के बारे में आप बताएंगे। मतलब मोस्टली हम इन चार चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, सिचुएशन, इन्हीं चार शब्दों को मैं अदर वर्ड कह रहा हूं। अब इन चार शब्दों को और समझ लें, अगर आप किसी पर्सन के बारे में वाक्य बनाना चाहते हैं तो पर्सन के बारे में कितने वाक्य बनेंगे, नंबर वन आप उसका नाम बता दीजिए, जैसे अगर मैं किसी लड़के का नाम बताऊं तो मैं कहूंगा ही इज आर के सिंह, या अगर मैं किसी लड़की के बारे में बताऊं तो शी इज सुमन, इट इज नाम बता दीजिए, इट इज रामायण नाम बता दिए, किताब का नाम आपने बता दिया तो आपने नाम बताया, आप अपना नाम भी बता सकते हैं, आई एम मोहन, सोहन, जो भी आपका नाम है आप बता दीजिए। दूसरा जो है आप अपनी पोस्ट बताएं, पोस्ट जो का मतलब होगा कि आप काम क्या करते हैं, आपका डिजिग्नेशन क्या है, आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम क्लर्क, ऑफिसर। पोस्ट के साथ साथ आप चाहें तो आप रिलेशन भी आप बता सकते हैं, ये आपके दो हो गए, ये दोनों को मैं एक ही में लेके चल रहा हूं। तीसरा नंबर जो आपको बताना है वो है क्वालिटी, क्वालिटी का शब्द होगा गुण, गुण का मतलब होगा गुण और अवगुण दोनों आप बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम ऑनेस्ट, जितने भी क्वालिटी के गुण है जैसे सिंपल, ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग, बोल्ड, काइंड, अनकाइंड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ब्रिलियंट, या फिर फिट, अनफिट, केयरफुल, केयरलेस, या फिर ह्यूमरस, साइलेंट, माइल्ड, पोलाइट, एक्टिव, इनएक्टिव, इन शब्दों का क्वालिटी आप बताएं। मैं पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल के जितने भी क्वालिटीज होंगे मैं आपको यहां पर लिख दूंगा, आप उसे देख लें। तीन सेंटेंस आपका बन गया। चौथा नंबर सेंटेंस में आप अपना हॉबी बता सकते हैं, जैसे टीचिंग इज माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, माई हॉबी इज टीचिंग, आप आगे भी करके आप अपनी एक हॉबी यहां पर आपने बता दिया। तो इस टाइप नंबर वन का जब सेंटेंस ये बना, आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के नाम पे इज एम आर आ गया, अब अदर वर्ड के नाम पे हमने ये सब लगा दिए। वैसे ही प्लेस में भी आप चार चीजें बता सकते हैं, आप नाम बता सकते हैं, दिस इज मुंबई, मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिस इज दिल्ली, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, आप उसका एक नाम, उसका एक डेजिग्नेशन पद या उस जगह की विशेषता बता दें, दिस प्लेस इज वेरी पीसफुल, पीस लविंग, आई कैचिंग, नेचुरल, नेरो, स्पेसियस, एयरी, आप जगह को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ शब्द मैं आपको दूंगा, आप उनका यूज कर लें। थिंग्स के बारे में आप बता दें, नाम बता दीजिए, दिस इज चौक, दिस इज कैम्बलिन चौक, दिस इज व्हाइट इन कलर, इट्स कलर इज व्हाइट, आपने कलर बता दिया, दिस इज यूजफुल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, अर्जेंट, सफिशियंट, ये शब्द आपने यूज कर दिया, और इस तरीके से कुछ आपने शब्द भी बता दिए। तो इस तरीके से आपने जब किसी सिचुएशन के बारे में आप बताएंगे, जैसे दिस इज होली, दिवाली, सिचुएशन में आएगा, परिस्थिति के हिसाब से हम अगर मैं चले तो फेस्टिवलों के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को लेके आप अगर चार चार पांच पांच सेंटेंस भी बनाएंगे तो ये आपका ये क्लियर हो जाएगा, और इन सब का अर्थ आपको निकालना है में। जब आप इसे हिंदी में करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा है में। जैसे आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं शिक्षक हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ईमानदार हूं। तो ये जो सेंटेंस आप बनाएंगे हिंदी में ना करें, ध्यान दीजिए, पहले आप इंग्लिश में कर लें उसके बाद आप उसे हिंदी में कर दें, अर्थ बहुत अलग है, दोनों के अर्थों में कोई समानता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में बोलना और इंग्लिश में बोलना दोनों अपने आप में अलग अलग है। पहले आप इंग्लिश में कर लें उसके बाद उसे हिंदी में कर लें, समझने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी।
तो ये तो रहा आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब यहां पे हमें एक चीज समझना है कि ये जो सब्जेक्ट होंगे वो कितने होते होंगे, किन किन शब्दों को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। आपको मैंने इज एमआर बता दिया, अदर वर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे आई वी यू ही सीट को बनाया, उसी तरीके से आप प्रश्न वाले शब्दों को भी, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे भी आप प्रश्न बना सकते हैं। जैसे हु इज, कौन है, विच इज, कौन सा है, व्हाट इज, वेयर इज, इनमें सब में इज या आर दोनों का प्रयोग आप कराएंगे, कर सकते हैं। इज आर, व्हाट आर, दीज, आप कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप इसमें इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में क्या लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे व्हेन हुआ, ये जो होगा टोटल 9 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैंने जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इन प्रोनाउन वाले वीडियो में भी हमने इसके ऊपर में जिक्र किया है। हु, व्हिच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हूज, हुम, व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ। तो ये कौन, कौन सा, क्या, कहां, कब, किसका, whom यानी किसे, why यानी क्यों, and how यानी कैसे। तो ये प्रश्न हो गए। अब अभी आपको पूछना है अभी कि who is there, वहां कौन है, who is there, who is your teacher। मैंने बताया अदर वर्ड क्या लाएगा, कोई पर्सन आएगा, पर्सन के ऊपर में क्वेश्चन, who is रमेश, who is मोहन, who is आयुष, नाम बता दीजिए। किसी टीचर के बारे में बात कर सकते हैं, who is your teacher, who is your friend, who is there, आप किसी पर्सन के बारे में आप बात कर सकते हो। which माने, which से आपको जो प्रश्न करना है, which is your pen, आपका कलम कौन सा है, तो यहां पे which के बाद में किसी वस्तु के बारे में बात होगी। जब आप पर्सनों के बारे में क्वेश्चन करेंगे, which का मतलब कौन सा, मतलब ये कौन भी होगा और कौन सा भी होगा। ध्यान दीजिए, जब आपको दो चीजों में सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी विच इज मोर इंटेलिजेंट, रजनीकांत और हनी, तो आपने दो शब्दों के बारे में बात किया, विच इज, वहां पे मैं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हु इज मोर इंटेलिजेंट, ये कहना ग्रामेटिकली गलत होगा। व्हाट इज योर नेम, एक सामान्य प्रश्न तो आप पूछते रहते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज देयर, वहां पे क्या है आपको नहीं पता, तो आप वहां पे फिर से अदर वर्ड में वही लाइए, पर्सन लाइए, प्लेस लाएं, थिंग्स के लिए जो अदर वर्ड हम बता रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। वेयर, वेयर यानी जगह पूछने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जगह पूछना, वेयर इज, यहां पे आपको इन वर्बों को ही सिलेक्शन करना है। वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर कोचिंग, वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर मोबाइल फोन, वेयर इज माई मोबाइल फोन, वेयर इज योर फ्रेंड इन दिल्ली, इन मुंबई, आप जो भी शहर में रहते हैं वहां का यूज करते हैं। व्हेन एंड कब, व्हेन इज योर क्लास, हूज इज दिस, यह किसका है, हूज इज दिस। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये लगाएं सब्जेक्ट, इज एमआर लगाएं, अदर वर्ड हमने जो बताया उसके हिसाब से बैठाते जाएं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। होम, वाई आर यू लेट, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू सैड, हाउ इज योर इंग्लिश, हाउ इज दिस बुक, हाउ इज योर टीचर, पर्सन प्लेस थिंग, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस तरीके से आप अपने सब्जेक्टों को बदलते जाएं, आपका सेंटेंस नया नया तैयार होते जाएगा, अर्थ वही आएगा, इज का मतलब है, आर का मतलब है, और फिर दूसरे। इसी तरीके से जब आप किसी नाम, तीसरा नंबर सब्जेक्ट आप बनाएंगे किसी के नाम को, जैसे आयुष, आयुष, मोहन, सोहन, हनी, मधु, रजनीकांत, आप इन शब्दों को नाम बना दें, सब्जेक्ट बना दें। आयुष इज वेरी गुड स्टूडेंट, सिमरन, सिमरन इज माई सिस्टर, हनी, हनी इज माई सन, मदन, मदन इज माई फ्रेंड, आप इस तरीके से नाम लेते जाएं उनका। एक यहाँ पे जो हमने बताया है सब्जेक्ट के बाद में, जैसे आयुष आपने लिखा, आयुष इज, आयुष नाम आपने बता दिया तो पोस्ट बता दीजिए आयुष क्या है, आयुष इज डॉक्टर, आयुष इज माई नेबर, आयुष मेरा पड़ोसी है, आयुष रिलेशन अगर आप बताना चाहें तो आयुष इज माई फ्रेंड, आप इस तरीके से सेंटेंस आप एक एक शब्द लेते जाएं और आपका सेंटेंस तैयार होते जाएगा। इसके बाद आपका चौथा नंबर जो सब्जेक्ट आपको बनाना है, चौथे नंबर सब्जेक्ट में आप पोस्ट को ले आए, जितने भी पोस्ट हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पोस्ट है वो आप बना दें। इसके बाद में एक फीलिंग वाले कुछ शब्द होते हैं जो हम पांचवा नंबर में बनाएंगे, जैसे ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंसी, नॉलेज, डेवलपमेंट, डिफरेंस,
इक्वालिटी, फ्रीडम, इस तरीके के शब्दों को भी आप सब्जेक्ट में बना सकते हैं। इसके बाद छठवां नंबर जो आप सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, किसी भी मुख्य क्रिया में, जैसे गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, वॉचिंग, रीडिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, आस्किंग, हेल्पिंग, मेकिंग, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आप बना दें। जैसे रीडिंग इज गुड, तो आपने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रीडिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, रीडिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो इस तरीके से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैं इसे सब्जेक्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। जैसे रीडिंग इज नेसेसरी, रीडिंग इज नेसेसरी जैसे आपने कर दिया, या लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, तो आप इस जितने मैंने सब्जेक्ट बनाया है उतने को आप अदरवर्ड में भी बना सकते हैं। जैसे रीडिंग इज नेसेसरी, अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो आप लग दीजिए इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू रीड, या आई लाइक रीडिंग, रीडिंग इज माई हॉबी, तो इस तरीके से आप इनको सब्जेक्ट बना सकते हैं। माई हॉबी इज रीडिंग बुक, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग चेस, तो इस तरीके से आपने सब्जेक्ट बनाया, आपको सब्जेक्ट के ज्ञान हो गया। तो ये जो छह शब्द हमने आपको बताए हैं, इन छह शब्दों में सबको अगर देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट जो होंगे, सब्जेक्ट जिसने मैंने अच्छे बताया, सब या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। हम ग्रामर में ना घुसे बट इनको अगर क्या बोला जाए तो इसे मैं नाउन या प्रोनाउन के नाम से जानूंगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन जान लेने से सेंटेंस तो नहीं बनेगा, आपको उसके लिए शब्द लाएंगे। जैसे आपने बोला दिस इज माय कैट, दैट इज माय कैट, या फिर आप अगर करेंगे ईच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो दिस दैट दिस दोज ईच एवरी सम मैनी अ फ्यू अ लिटिल, इन शब्दों को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये तो रहा आपका सब्जेक्ट। वर्ब के नाम पे आपके पास तीन शब्द हैं, इज एम आर, सब में तीनों लगेगा, तीनों में से कोई एक, अदर वर्ड भी आपने समझ गए कि अदर वर्ड क्या क्या होते हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आपको मैं यहां पे बोर्ड में लिखता हूं, आप देख लें कि कुछ पर्सनों के लिए अदर वर्ड का प्रयोग, प्लेस के लिए अदर वर्ड का प्रयोग, थिंग्स के लिए अदर वर्ड का प्रयोग, और कुछ कुछ पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिस शब्द में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसमें आईएनजी वाले शब्द हैं, उनका आप प्रयोग कैसे करेंगे। तो आप कुछ लिस्ट यहां पे देख लें, और ये लिखा हुआ लिस्ट आप देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल में जो जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो आप यहां पे देख लें, जैसे फैट, थिन, ग्रेट, ये किसी पर्सन के लिए, ये जितने भी वर्ड यहां पे लिखा हुआ है सारे के सारे शब्द जो है वो कुछ क्वालिटी बताने वाले हैं, और इसे हम ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं। फैट, थिन, ग्रेट, काइंड, इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे ग्रेट है तो मीन भी होगा, इसके जस्ट अपोजिट करते चले जाएं, काइंड, अनकाइंड, इंटेलिजेंट, स्टूपिड, वाइज, लेजी, लेजी, एक्टिव, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, लकी, अनलकी, एक्टिव, इनएक्टिव। वैसे प्लेस के लिए पीसफुल, आई कैचिंग, क्राउडेड, नॉइजी, एयरी, फेमस, बिजी, फ्री, शैलो, डीप, क्लीन, डर्टी, इन शब्दों का यूज आप कर लें किसी प्लेस को बताने के लिए, किसी वस्तु को बताने के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप अर्जेंट, नेसेसरी, सफिशियंट, इजी, अवेलेबल, स्ट्रेंज, स्वीटेबल, मीनिंगफुल, इंपॉर्टेंट, इस तरीके का वर्ड का यूज कर लें। इनके साथ साथ कुछ सेटिस्फाइड, वॉरिड, प्लेस्ड, एडिक्टेड, एक्सपीरियंस्ड, चैलेंजिंग, कंफ्यूजिंग, रिलैक्सिंग, इस तरीके के शब्दों का भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप ये सेंटेंस बनाएंगे, इन शब्दों को जब आप बनाएंगे, इन शब्दों के साथ में आपके तीन चार प्रकार के सेंटेंसेस बनेगा। टाइप नंबर वन में, जैसे ये सेंटेंस नंबर वन हमने पढ़ा, सेंटेंस नंबर वन में जब आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस आपका नेगेटिव भी बनेगा और आप उसमें क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आप देख लें, जैसे दिस इज माई क्लासरूम, दिस इज माई क्लासरूम, माई क्लासरूम, ये जो नेगेटिव सेंटेंस बना, इसका अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो दिस इज नॉट माई क्लासरूम, दिस इज नॉट माई क्लासरूम, ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यहां पे होगा ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट हियर, ये मेरा, अगर आप इसमें नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यदि आपको प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन जो होगा वो दो तरीके के आप पूछ सकते हैं। एक जो क्वेश्चन होगा उसमें यस या नो का आंसर होगा। जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने में रख देना है, जैसे इज ही योर टीचर, ये मेरा प्रश्न बनना है, इज ही योर टीचर। हिंदी में जब आप इसको करेंगे, हिंदी में, तो क्या वह आपका या तुम्हारा शिक्षक है, क्या वह तुम्हारा शिक्षक है,
यही बना मेरा प्रश्न, इसका आंसर आ गया यस ही इज या नो नो ही इज नॉट, इस तरीके से आपका यहां पे आंसर तैयार हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको जो हु से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, हु इज योर टीचर, वेयर इज योर टीचर, वेयर इज योर क्लासरूम, यदि आपको दूसरा कोई चीज समझना है तो उस तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं जिसे मैं WH क्वेश्चन कहता हूं। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और वो चौथा नंबर जो होगा वो क्वेश्चन वाले शब्द बनेंगे। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसों का आप एग्जांपल देख लें, पेन इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ही इज टायर्ड ऑफ रीडिंग, ब्लू पेन इज कॉमन, दिस इज माई सीट, देर इज नो अरेंजमेंट फॉर वुमेन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, मनी इज एवरीथिंग फॉर सम पीपल, माई इंग्लिश टीचर इज वेल क्वालिफाइड, हाउ इज योर फैमिली, ही इज रिस्पॉन्सिबल, वेयर इज माई मोबाइल फोन, दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन रायपुर, दिस इज गुड टू सी यू अगेन, वॉट इज द इजिएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश, आर योर फ्रेंड्स हेल्पफुल, इज इट पेनफुल फॉर यू, दुर्ग इज रायपुर, दुर्ग, मुंबई, दिल्ली, बिलासपुर, आप अलग अलग जगहों के नाम आप यहां पे लिख सकते हैं, इट इज योर टर्न, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, इस तरीके से आप मिला के सेंटेंस बना लें, कुछ एफर्मेटिव के, कुछ नेगेटिव के, कुछ WH क्वेश्चंस में, या इस तरीके से बनाएंगे तो अर्थ आपको निकालना है में ही निकालना है। जैसे आई एम नॉट लेट, मुझे देर नहीं हुई है, आई एम वॉरीड, मैं परेशान हूं, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंस बनाएंगे आपको चीजें समझ आएगी कि इस हिंदी में ऐसे बोलने वाले सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे बनाए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सेंटेंस बना लेंगे। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहें, सेंटेंसेस बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।